नमस्कार, मैं शालिनी सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर किया बहुत, दिल्ली राजमार्ग पर जाम। पंजाब बंद को लेकर गुरदासपुर में काफी असर देखने को मिला। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ छेड़छाड़ के मामले में सिखों ने में रोष, संगत को संयम से रहने की अपील। अकाल पुरख की फौज ने काले चोले डाल पर किया रोष प्रदर्शन। डेरा मुखी को माफीनामे संबंधित गुरमीत श्री अकाल तख्त साहिब ने किया रद्द। पुलवामा फायरिंग पर SSP तेजिंदर सिंह ने मीडिया के साथ की बातचीत। किसान दूसरे दिन आमर अंसर पर बैठे हुए हैं प्रशासन जुटी मामले को सुलझाने में। सुप्रीम कोर्ट ने हटाई डांस बार पर से पाबंदी। पंजाब में अब किसानों ने सिंचाई की पानी को लेकर किया अबोहर दिल्ली राजमार्ग को जाम। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेट्टी की रिपोर्ट। पंजाब में सफेद मक्खी से बर्बाद हुई फसलों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे थे, तो वहीं घटिया कीटनाशक दवाओं का मुद्दा भी सरकार के लिए गले की फांस बन गई। किसानों ने सिंचाई पानी की कमी को दूर करने की मांग को लेकर अबोहर से दिल्ली के वहां सत्तों गुंडों जाने वाले राजमार्ग को बंद कर दिया। वहीं राजस्थान को भी जाने वाले रास्ते पर जाम किया गया। मांग को लेकर लगाए गए अनिश्चितकालीन धरना पंजाब सरकार के विरोध में की गई जाम पर नारेबाजी की। ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਤਰਮਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ 15 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਚੇਨ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਾਈਨਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਧਰਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਾਰਫਤ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਵਾਈ ਜਾਏ। ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ 500 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੋ ਲੇਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾ। ਹਮਾਰੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਨਰੇਂਦਰ ਸੈਟੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के निरादर और कोटापुरा में धरना को बैठे सिख समुदाय पर किए गए पुलिस हमले के रोष में बटाला में समूह सिख जत्थेबाजियों ने सभी धर्मों के लोगों के सहयोग से शांत हुई ढंग से बाजार बंद करवाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करते हुए बंद का पूर्ण समर्थन किया। पंजाब बंद को लिए जिला गुरदासपुर में काफी असर देखने को मिला। बटाला, डेरा बाबा नानक, फतेहगढ़ आदि में सुबह से ही सभी बाजार बंद, निजी स्कूलों में भी छुट्टी दी गई, जबकि गुरदासपुर शहर में बंद का असर कम ही रहा। मैं बादल नु पूछना चाहना ते सुखबीर नु, जेड़ा हुण करोड़ रुपये दा नाम दिंदा है, ये पहला कित्थे सी 2 महीने? और दूसरी गल ए वी सरसे वाला 15 दिन जेड़ा आ उहने मजारा कीता कि साडी फिल्म चलण दिओ, सड़कां जाम कीतियां, रेलां जाम कीतियां, उहनां नु ते कुछ नहीं किया गया। ते जेड़ा पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिख कौम दा जेड़ा गुरु है, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 1 ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ,
पर्दे तो बाहर कुछ होर हो रहा है, पर्दे तो अंदर कुछ होर हो रहा है। ये पिछे खुले तौर पर अकाली दल बादल का हाथ है और अकाली दल बादल वोट की राजनीति वास्ते 2017 के सरकार बनाने लिए ये सारे पापड़ वेलदा पिया है और इस घटनाक्रम के पिछे सारा श्रोमणी अकाली दल का हाथ। लोग अपनी समर्था के मुताबिक अपना हा का नारा मार रहे हैं, अपने दुख को प्रगट कर रहे हैं। एक पासे सरकार है और उसके बहुत सारे सोर्स ने और सब तो बड़ा कारण यह है कि लोगों की मानसिकता को चेंज कर दिता जाता है। अपने बंदे उन्होंने कुछ संघर्ष के फिट किए हुए हैं जिहड़े संघर्ष को तार पीडो करने लिए तत्पर ने, पहला भी वो संघर्ष को तार पीडो करते रहे हैं, चाहे वह सरसे वाले का मसला से, चाहे वह भनियारे वाले का मसला से, चाहे इदा के होर मसले से। हरनाम सिंह धुम्मा मैनू कहने कोई झिझक नहीं। जो सरसे साध ने घनौनी कार्रवाई की है, गुरु ग्रंथ साहब जी जो साढ़े माँ भी ने प्यो भी ने जिते संगत जाना मारन वाले तैयार ने, उस संबंध संगत ने इतने धरना लाया, सारा बटाला बिल्कुल बंद है। वह समूह जथेबंदियां सहयोग दे रही हैं, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी हजूर साहब वाले उन्होंने भी सिंह अपने भेजे ने। पर मैं अज इत यह कहना चाहना जोड़े इतने लागे बन्ने के जोड़े संत महापुरश ने जोड़े रोज़ रोटियां सेकते हैं, अपना समागम करा के वड्डे वड्डे लिफाफे जथेदारां नूं सद के उन्होंने 51-51 लख लख दिया, जो उन्होंने इतने कोई नहीं वड़िया। कोई जोड़े धार्मिक जथेबंदियां सुखनी साहब सेवा सोसायटियां जां होर ने, ते कोई श्रोमणी कमेटी मैंबर जिहड़े पंथ दे नां दे वास्ता दे के संगतां दे कोलों वोटां लैंदे आ, जो कित्थे मर गए कित्थे चले गए ने। संगत सारी सिख संगत उन्हां कोल जवाब मंगदी है। सारिया संगतां नूं अज इत्थे फैसला होया भी जिन्ने श्रोमणी कमेटी मैंबर ने जां होर जिन्ने भी धार्मिक जथेबंदियां जिहड़े इन्हां दे नाल लगे अकालियां दे नाल, सारिया संगतां बाइकाट करदियां, किसी स्टेज ते इन्हां नूं बोलन नहीं दित्ता जाएगा। इन्हां नूं बिल्कुल सारिया संगतां नकार चुकियां ने, इह सरकारी टैबलेट बन गए ने। अज अज जिहड़ा इन्हां ने शरारती अंसरां ने जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती आ, उह बड़ी निंदणीयोग आ। गुरु ग्रंथ साहब सारे ना सांझा ग्रंथ हैगा और इहदा सारे संस्कृत दे बड़ा उच्चा पदवी हैगी आ। जिन्हां ने शरारती अंसर काम किया उन्होंने सदी से सजा दी जाए और असी जिहड़ा बंद अकाल दी इही पूरा समर्थन करने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ छेड़छाड़ मामले में सिखों में दिखा रोष, हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। जिला मोगा के साथ लगते जिला फरीदकोट के गांव बड्डीगढ़ में पिछले दिनों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्नों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में सिखों में काफी रोष पैदा कर दिया, जिसमें मोगा और फरीदकोट के जिलों के काफी रोष पाए गए। वहीं जब सिखों ने इसका प्रदर्शन किया तो दोनों ही जिलों में लगाए गए सिखों द्वारा धरनों में पुलिस की ओर से अपना बल प्रयोग किया गया। वहीं सिखों की ओर से पत्थरबाजी की गई। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिस के जवान और सिख समुदाय के लोग घायल भी हो गए। जिहड़ा कोटकपुरे जिहड़ी इह घटनाक्रम होया हैगा इह बहुत घटिया ते निंदणयोग जिहड़ा हैगा इह कारनामा कीता जिहड़े शरारती अंसरां ने, क्योंकि जिहड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने उह सारी मनुखता जां किसे विशेष नूं जिहड़ा हैगा उपदेश नहीं दिंदा। बूटा सिंह जी, अज जिहड़ा पंजाब बंद दा सद्दा दित्ता गया, तुसीं मुलाजम हो ते उह जानकारी की सारा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ। एसजीपीसी के अध्यक्ष ने किया संयम से रहने की अपील, हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। बरगाड़ी में जो के जैतों में बढ़ता है, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के जो के जागदी ज्योत गुरु हैं सिखों के, उनके पत्रे फाड़कर कई शरारती अंसर ने गलियों में फेंक दिए और उसी वजह को लेकर जो सिख सेंटीमेंट्स थे, जो सिख भावनाएं थी, कुदरती तौर पर वो हर्ट हुई। उसमें काफ़ी गमी और रोष, और मैं समझता हूँ कि गुस्सा पैदा हो गया और इसकी वजह से ये धरने वगैरह लगने शुरू हो गए।
पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सत्कार सब सिख भाई भाई को करना होता है और करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर सिखों के लिए और कोई शक्ति नहीं है। हम भी उतने ही हार्ट हैं, दुखी हृदय से विचर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है उसकी जड़ों तक जाने की ज़रूरत है, उसकी गहराई तक जाने की ज़रूरत है, उस मसले का हल निकालना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि बाद में कोई और ऐसी गुस्ताखी ना कर सके। और इसीलिए मैंने मांग की है केंद्र सरकार से कि गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिविंग गुरु हैं, इनके साथ जो भी ऐसी बेदबी करता है, निरादर करता है, उसके लिए एक विशेष तौर पर एक एक्ट बनाया जाना चाहिए, एक धारा ऐड की जानी चाहिए एक्ट में, संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और वो उससे बच ना सके। विशेष कानून बनाना के लिए मैं बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जो हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी मार्क की है, इंक्वायरी का गठन की है, वो इसकी गहराई तक जाएगी। बुरज्वार वाला के ज्वार सिंह वाला के स्थान से लेकर जहाँ से गुरु ग्रंथ साहब जी चोरी हुए हैं और बरगाड़ी तक जहाँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के। अमृतसर में अकाल पुरख की फौज ने किया रोज प्रदर्शन, हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। अकाल पुरख की फौज की ओर से गुरु नगरी के भंडारी पुल पर काले चोले के डॉल पर प्रदर्शन किया गया। वहीं अकाल पुरख की फौज की मुख्य एडवोकेट जसविंदर सिंह के सिखों को शांतमय तरीके से रोज प्रदर्शन करने की अपील की। इस मौके पर एडवोकेट जसविंदर सिंह और उनके साथियों ने अमृतसर के भंडारी पुल के ऊपर सतनाम वही गुरु का जाप प्रदर्शन भी किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती करने वाले के खिलाफ 1 करोड़ का इनाम रखकर यह दर्शाया कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर हार चुकी है। खिलाफ जिन्हों के हिरदे बलूंदरे गए ने वह सारे अपना रोस प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि सिखा नू इन्ना भी हक नहीं कि जे गुरु साहब की बेदबी होवे तो वह इकट्ठे होकर इस खिलाफ मुजाहरा कर सकन, अपना दर्द लोगों को दस सकन। तो जे दर्द दसदे हैं तो गोलियां वजदियाँ, अत्रू गैस के गोले वजदे ने, पानी दियाँ बुछारा वजदियाँ ने, तो सिंघां नू शहीद कर दिता जाता, पंजाब नू उस हालात से लिया के खड़ा कर दिता है कि जिते फिर जवानी का घाण तो नसलकुशी होने का खतरा पैदा हो गया। पहले तो मैं सारे सिखां नू अपील करना चाहना कि कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसी गल जिहदे नाल नौजवानों से भड़काहट आए वो ना दिओ, पर विरोध जारी रखो। विरोध जिदा अज असी कर रहे हैं, काले चोले पा के सड़क के कंढे खड़ के, जिहदे च लोगों नू भी कोई तकलीफ नहीं हो रही पर साडा सुनेहा दर्ज हो रहा। डेरा मुखी के माफीनामे को गुरमीत श्री अकाल तख्त ने किया रद्द, हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। श्री अकाल तख्त साहिब दफ्तर विखे हंगामी मीटिंग बुलाई गई सी जिस दे विच सचखंड श्री हजूर साहब जी दे सिंह साहिबान नहीं पहुँच सके, पर सिंह साहिब ज्ञानी कुलवंत सिंह जी उन्हां दे नाल फोन ते गल होई, राम सिंह दे नाल जोतिंदर सिंह जी दे नाल गल होई, उन्हां दे सहमति लै के श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब दे सिंह साहब जी नूं बुला के 5 सिंह साहिबाना ने मीटिंग की, जो डेरा सिरसा मुखी सौदा साध दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे भेजे हुक जा हुक खिमा याचना स्पष्टीकरण ते विचार करके जो गुरमता 800 सम्मत नानकशाही 547 मुताबक 24 सितंबर 2015 नूं कीता गया सी, उस गुरमते नूं गुरु पंथ दे विच प्रवान नहीं कीता गया। समूह खालसा पंथ दीआं भावनावां नूं बड़ी बरीकी नाल विचारदिआं अज मिती 30 सम्मत नानकशाही 547 मुताबक 16 अक्तूबर 2015 दिन शुक्रवार नूं 5
तख्त साहिबाना के जथेदारा ने हंगामी मीटिंग सद के यह फैसला लिया है कि जो अपने 8 संमत नानक शाही 547 मुताबिक 24 सितंबर 2015 सौदा साहब डेरा सिरसा मुखी के संबंध में पुलवामा फायरिंग मामले में एसएसपी तेजेंद्र सिंह से बातचीत, हमारे संवाददाता आकिब बसीर की रिपोर्ट। बहन की कुछ सस्पिशियस मूवमेंट है कुछ लोगों के टाउन से ही, तो इमीडिएटली हमारी एक एसओजी की पार्टी वहां पे चेक करने गई थी, तो वहां पे हमें एक गाड़ी दिखाई थी, गाड़ी में बुरखा पहने हुए कोई लेडी बैठी थी, जिसको हमने वहां पे जाके उनको फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उसमें से वो लेडीज़ ने अपना अपना परिचय दिया, बोला तो आवाज़ से अंदाज़ा आ गया कि ये लेडीज़ हैं, लेकिन एक जो था लेडी पर्सन था शी डिड नॉट स्पीक। तो इन द मीन वाइल हमें दिखाई दिया कि ही इज़ नॉट ए लेडी, ही इज़ जेंट्स, उसके हाथ वगैरह से अंदाज़ा आया। तो जैसे ही उसको चैलेंज किया गया कि भाई नीचे उतर जाओ, और हमारे लड़के उस गाड़ी के नज़दीक गए, तो दाएँ बाएँ दो जगह से हमारी पार्टी के ऊपर फायर आ गया, तो इमीडिएटली लड़के नीचे लेट गए, तो वो फायर जो है वो उस सोमो में जिस गाड़ी में वो बैठा था उसको लगा, और इस इंसिडेंट के दौरान वो जो फायर थे दो सिविलियन थे, उनको भी इंजरी आई है, एक को बाजू में आई है, एक को टांग में आई है। ये जो OGW ये जो पकड़ा गया है लड़का जो मिलिटेंटो के साथ था साथी, इसके भी एक फ्लैश वुंड मामूली सा जख्म आया है, तो अभी इसको भी हमने हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। सितारागंज में किसान बैठे अनशन पर, प्रशासन जुटी मामला को सुलझाने में, हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। किसानों को प्रशासन का 1% भी सपोर्ट नहीं है, SDM का कोई सपोर्ट नहीं है, जिलाधिकारी का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यदि इनका सपोर्ट होता तो हमारे कांटे भी बढ़ गए होते। कौन लॉलीपॉप तो 100% है, कौन तो एक विश्वास किया जा रहा है प्रशासन पर कि हाँ ये मंडी में बोली लगवाते भी हैं या नहीं लगाते, आज तक तो इन्होंने लगाई, पहले की अपेक्षा व्यवस्था सुधरेगी ये हमें उम्मीद है। और एक जबकि 75% ले भी आज तक सरकार लेती रही है। दूसरी बात यह है कि लेवी की समस्या खत्म होने के बाद अब 3 लाख क्विंटल जैसे धान यहाँ पर सरकार लेगी मिलर से स्टेट पूल में, और धान यहाँ 20 लाख क्विंटल धान आएगा, तो 17 लाख क्विंटल धान हमें मार्केट रेट से बेचना पड़ेगा, और उसको हम किस प्रकार से एडजस्ट करें। सरकार का रेट है 23-24 रुपये क्विंटल और मार्केट में 1600 रुपये क्विंटल है, इसलिए हमारे राइस मिलर्स की मजबूरी है कि हम अब तो निर्धारित नहीं किया गया, बाजार का मूल्य तो बोली पर निर्भर करेगा और उधम सिंह नगर के जितने भी हमारी मंडी हैं वहाँ की मार्केट पर निर्भर करेगा ये तय। तो जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है क्या वो रेट अन्यथा किए गए हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है? गवर्नमेंट ने जो तय किए हैं तो वो हमारे किसानों का जो सरकारी कांटे में जहाँ जहाँ किसानों की लिस्ट गई है जिस सेंटर में खुलेगा तो किसान वहाँ दौड़ाएंगे। बारदाना तो अभी मुझे लगता है कि उपलब्ध करा भी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हटाई डांस बार पे से पाबंदी, हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई है उन बालिकाओं के लिए जो पिछले 10 साल से घुटने बड़ी जिंदगी में जी रही थी, कुछ ने पैसा छोड़ दिया तो कुछ छोटे मोटे काम करने लगी, सर से छत चली गई। प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि हम सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, हम सबको पहले से ही न्यायपालिका पर विश्वास था कि ऑर्डर की कॉपी आने के बाद बार को शुरू कर दिया जाएगा। अपना होके भी कुछ नहीं रहा हमारे पास, बहुत मजबूरी देखी, बहुत जिल्लत देखी। क्या आप अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज पाते थे इन 10 सालों में? क्या 10 साल पहले भेजते थे, काफी अच्छी जिंदगी थी, लेकिन इन 10 सालों में बच्चे अब स्कूल भी नहीं जाते। थोड़ा आप बताना चाहेंगे क्या क्या कुछ हुआ 10 सालों में, किस तरीके से जिंदगी से हार मान ली आपने? हार तो इस तरीके से मान ली थी कि कभी दिन में ये भी ख्याल आता था कि सुसाइड कर लें, पर बच्चे की वजह से नहीं कर पाए। घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका? बहुत नामुमकिन था, बहुत छोटे मोटे काम किए जिंदगी में मगर घर नहीं चल पाया। इन 10 सालों में बहुत ही बैक चली गई जिंदगी। किस तरह के काम आप लोग फिर करने लगे? कभी दुकानों में काम किया, कभी सिलाई का काम किया, मगर ये हर दिन मुनासिब नहीं था करना, और जो हम पे गुजरी है वो बयान भी हम नहीं कर पाएंगे आपको। इनफैक्ट देखता है बच्चों को स्कूल जाते वक्त, स्कूल बस आते हुए किसी की, तो उसकी आंख में आज भी आंसू होता है। और
और एक माँ जब पहले अपने 10 साल पहले अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी बहुत खुशी खुशी, उसको कितना दुख होता था। उस माँ के लिए तो जीना बिल्कुल ही बेकार है जो अपने बच्चे को स्कूल ना भेज पाए। मेरे ख्याल से उससे बदनसीब माँ कोई हो ही नहीं सकती। खुशी हुई है इस चीज की, हाई कोर्ट से हम जीती गए थे, हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से भी फेवरेबल ऑर्डर आने की, सो आज का दिन फेवरेबल ऑर्डर आ गया हमारे फेवर में। सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारी जो लड़कियां जिन्होंने जिनकी रोजी रोटी छीन गई थी, आज सभी बहुत खुश हैं, सभी फिर से काम करना चाहती हैं। सभी के फोन आ गए सवेरे से कि हम कब से काम करने आए हैं, हमने उनको हफ्ते भर के लिए भी रोका है, हमने हमको सरकार की सबकी प्रतिक्रिया पूरी मिल जाए, हमें किस तरीके से हम इसको नए ढांचे को फिर से हम नए ढंग से नए तरीके से इसको हम करेंगे। हफ्ते भर का समय हमारे पास में अभी और है, ऑर्डर्स वगैरह हमारे पास में सर्टिफाइड कॉपीज आ जाए, इसके हमको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, वो हम पूरी कर लेंगे, उसके बाद से फिर से हम डांस शुरू करेंगे। ऑर्डर आने के बाद लड़कियों का क्या रिएक्शन रहा था आपके यहाँ पे जो लड़कियाँ? लड़कियों के मन में ये था कि हमको हमारी फिर से रोजी रोटी मिल जाएगी, जो हमारे बच्चों को आज 10 सालों में तकलीफें हुई हैं, जिनको हमने स्कूलों से निकाल दिया है, हम उनको फिर से दोबारा स्कूल में भेज पाएंगे, भाई रोजी रोटी फिर से शुरू हो जाएगी, हम फिर से अपनी एक रोजमर्रा की आम इंसान की तरह हम अपनी जिंदगी जी पाएंगे। अभी बार जो है बंद होके, डांस बार बंद होके करीब 10 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में जो 10 साल का जो पूरा दिन रहा है वो किस तरीके से लड़कियों का गुजारा? लड़कियों की हालत बहुत खराब हुई थी उसमें 10 सालों में, उनकी एक रोजी रोटी का जो जरिया था वो बंद हो गया था सरकार की एक छोटी सी गलती की वजह से। सरकार का कोई मुद्दा नहीं था, इसी वजह से आज सरकार के फेवर में ऑर्डर गया नहीं है, ना तो हाई कोर्ट से ना ही सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन लड़कियों की हालत इसमें बहुत खराब हुई। इसके अंदर लड़कियों की रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया था, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाई, उनके खाने तक की उनको तकलीफ आ गई, उनको इसी वजह से लड़कियों को यहाँ से पलायन करना पड़ा, उनको विदेश जाने पड़े, वहाँ पे जाके अपना परफॉर्मेंस करती थी, वहाँ उनके साथ में बहुत शोषण हुआ लड़कियों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।